आप देख रहे हैं पुलिसवाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। शौर्य यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत शासकीय कन्या हाई स्कूल खरखरी से हुई। इसके बाद यात्रा खरखरी के मेन बाजार होते हुए देवरा ओवर ब्रिज होते हुए महादेवन मंदिर होते हुए पुनः खरखरी बाजार में आकर सहकारी समिति के सामने तक गई। वहां से पुनः कन्या विद्यालय में आकर यात्रा संपन्न हुई थी। श्रीकांत गुप्ता जी द्वारा बताया गया है कि आज का संगठित हिंदू युवा ही समाज और देश की सभी चुनौतियों आतंकवाद नक्सलवाद लव जिहाद लैंड जिहाद से लड़ सकता है। इसके बाद प्रखंड संयोजक अरविंद पटेल जी द्वारा बताया गया है कि जात पात की ढहे दीवार अब हिंदू की ललकार कौन हमारी सबकी माता भारत माता भारत माता कार्यक्रम के अंत में प्रखंड मंत्री श्री राजेंद्र गुप्ता जी द्वारा सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया गया और कहा गया है कि हिंदुमान बिंदुओं की रक्षा के लिए गाय गंगा गायत्री और मंदिर की रक्षा के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ता 24 घंटे अपनी जान पर खेलकर भी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। विनय शर्मा जी बजरंग दल जिला बलोपसना प्रमुख कार्यक्रम में प्रखंड अध्यक्ष माननीय अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी संजीव गुप्ता जी प्रदीप जी आशीष गौरव जी राम उजागर सुनील जी पीयूष जी भूपेंद्र जी रामवेंद्र जी गगन जी अजीत सज्जन मोहन लाल संजू रोहित रमेश यशोदा अभय राज अभय शिवम पुष्पेंद्र विनायक रामचंद्र अतुल शुभम रोहन अविनाश चित्रसेन शिव पूजन मोहित अमित्र राहुल राजेश आदर्श विष्णु सभी कार्यकर्ता शामिल हुए। सफल कार्यक्रम के आयोजन के लिए पुलिस प्रशासन और हिंदू समाज के सभी बिंदु रिपीट सभी कार्यकर्ता शामिल हुए सफल कार्यक्रम के आयोजन के लिए पुलिस प्रशासन और हिंदू समाज के सभी बंधुओं का बहुत बहुत आभार। ये लेबर रूम है जहाँ पर बड़ी समस्या रहती थी गायनीज डॉक्टर की, और इससे भी बड़ी समस्या रहती थी कि जो डॉक्टर मौके पर उपलब्ध नहीं रहते थे। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर प्रद्युम्न शुक्ला जी जो अभी अभी कोर्स करके जबलपुर से आए हैं, तो हम उनसे जानकारी लेंगे और लोगों को भी बताना चाहेंगे कि जो लोग ज्ञानीज वाली परेशानी है जो रीवा भाग कर जाते थे और यहाँ समस्या का समाधान नहीं हो पाता था, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि वो समस्या 2400 घंटा यहाँ पे उपलब्ध है और डॉक्टर साहब अपने रेजिडेंसी में कैंपस एरिया में 24 घंटा उपलब्ध रहते हैं। तो अगर किसी आदमी को ऐसी ज़रूरत पड़े तो रीवा जाने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर इलाज हो सकता है। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर प्रद्युम्न शुक्ला जी से। सर पुलिस वाला न्यूज में आपका स्वागत है। अभी अभी आप कोर्स करके आए हैं जबलपुर से, बड़ी समस्या गायनीज की थी यहाँ पे, तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए दर्शकों को ताकि जो परेशानियाँ हैं वो दूर हो सके। जी, मैं यहाँ पर पहले भी काम कर चुका हूँ और पीजी करने के पहले भी, तो मैं यहाँ देख रहा था कि सबसे बड़ी दिक्कत हो रही थी हमारी जो बहनें हैं जो माताएं हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी गायनी डॉक्टर रहते ही नहीं थे, ठीक है ना। जो भी आते थे काम सुबह आते शाम को चले जाते थे, अब रात में कोई दिक्कत हो गई तो क्या करें। तो मैं पीजी के तब मैंने सोचा कि मैं पीजी करूँगा तो ऑब्स गायनी से करूँगा, और वहाँ से आने के बाद मैं यहाँ पे 24 आवर रहता हूँ और मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि माँ और बच्चे हर हाल में बचे। जो माँ वहाँ से आती है उम्मीद लगा के आती है कि जब हम आएंगे तो मेरे साथ मेरा बेटा या बेटी रहेगा तो वो रहे, हम यहाँ पे जितना कॉम्प्लिकेशन हो सके मैनेज करें, इन केस हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसको सही समय पे सही जगह पे रेफ़र कर सकें ताकि माँ और बच्चे दोनों सेफ हों, क्योंकि हमारे लिए हर एक बच्चा और हर एक माँ इम्पॉर्टेंट है, हमें बस यही कहना है। और मैं समस्त आपके माध्यम से समस्त अपने जितने भी एरिया के सबसे सिर्फ एक ही चीज़ की बोलता हूँ, आप समय रहते पहुँचा दीजिए, बाकी हम काम कर ले जाएंगे, लेकिन उनको समय रहते हमारी संस्था में पहुँचा दीजिए। जिस तरह से लोगों को अभी तक जानकारी नहीं थी कि मऊगंज में गैरेज के डॉक्टर आ गए हैं, तो आप अब इस चैनल के माध्यम से ये भी जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पर उपस्थित हैं। हाँ मैं यहीं पे रहता हूँ, हाँ मेरा कैंपस पे ही मुझे कमरा मिला हुआ है, उसी कमरे में मैं 24 आवर रहता हूँ और जब भी ज़रूरत होगी मैं आता हूँ। यहाँ पे हमारी सिस्टर भी, आप उनसे पूछ सकते हैं। मैं इवन रात को 2-2, 3-3 बजे भी आता हूँ, कभी बच्चा फंस जाता है या बच्चा इमीडिएट क्राई नहीं कर पाता है या कुछ दिक्कत हो रही है तो मैं खुद आता हूँ और मैं उसको जो भी मेरे से हो सकता है उस पर मैं उन पर करता हूँ। और करीब 5-6 बच्चे ऐसे हुए विद इन 1 मंथ में कि मतलब बच्चे सर्वाइव किए और उन्होंने सही टाइम पे उनको रिससिटेट किया गया और बच्चे सर्वाइव कर गए।
और इसके लिए सबसे बड़ा धन्यवाद है यहाँ का जो सिस्टर स्टाफ है, इतना एक्टिव है और हर समय काम करने के लिए तैयार रहता है, उनको धन्यवाद करूँगा। BMO साहब को